हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर। वेलकम टू माय क्लास। माय टुडेस टॉपिक इज रोथराज टेस्ट। हम देखेंगे रोथराज टेस्ट के बारे में, जो किसके लिए करते हैं, हम कीटोन बॉडीज के लिए किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम तो हम देख रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ कीटोन्स। क्या देख रहे हैं हम? कीटोन बॉडीज का डिटर्मिनेशन देख रहे हैं। कीटोन बॉडीज को कैसे पता लगाया जाएगा अगर प्रेजेंट है तो? ठीक है, तो ये पता काय में लगा रहे हैं हम? यूरिन के थ्रू लगा रहे हैं हम पता। ठीक है बेटा, तो इस कीटोन बॉडीज के जो टेस्ट किया जाता है वो टेस्ट का नाम रहता है रोथरा टेस्ट, या रोथराज भी बोल सकते हैं ना, रोथरा भी बोल सकते हैं, ये एस लगा के रोथराज भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज प्रोनाउंस की जाती है इस टेस्ट के लिए। अगर कोई भी पूछे कि भाई कीटोन बॉडीज के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम 2 नंबर के क्वेश्चन वाइवा कहीं भी पूछा गया, तो क्या जवाब दोगे आप? रोथरा टेस्ट करते हैं कीटोन बॉडीज के लिए। ठीक है, ये इसका सिंपल सा आंसर है। तो ये जानने के पहले सबसे पहले हम इसका देखेंगे प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट्स, टेस्ट कैसे करते हैं और सारी चीजें हम जानेंगे। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल क्या है? अच्छा, ये मैं प्रिंसिपल स्टार्ट करूं, इसके पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कीटोन बॉडीज क्या है। ठीक है, प्रिंसिपल पता होने से पहले कोई चीज, हम जैसे हम कोई चीज टेस्ट कर रहे हैं हम कीटोन बॉडीज, फॉर एग्जाम्पल हम शुगर पता लगा रहे हैं, ग्लूकोज पता लगा रहे हैं। हाँ, हमको पता है ग्लूकोज क्या होता है बॉडी में, है ना, अधिकतर लोग जानते हैं ग्लूकोज क्या होता है, जानते हैं। ठीक है, और कोई और भी कोई सेल्स का आरबीसी पता लगा, हम ये सब चीजें जानते हैं। पर आप कीटोन बॉडीज जानते हैं क्या? बहुत कम लोग बताते हैं ना कीटोन बॉडीज तो करते रहते हैं, पर कीटोन बॉडीज होती क्या है? कभी बुक में जानने की कोशिश करी, कभी आपके टीचर से पूछा, क्या कभी आपके टीचर ने आपको बताया कीटोन बॉडीज एक्चुअली में होती क्या है? टेस्ट तो कोई भी करा देगा, 4 बूंद ये डालो, 2 बूंद वो डालो, इसको ऐसा हीट करो, ऐसे रिंग देखो, ऐसे रीडिंग लिख लो, पर करते क्यों हैं, कारण, इसकी पैथोफिजियोलॉजी, और ये चीज करते हैं तो ये चीज होती क्या है, ये पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है आपको, तो हम क्या कर यहाँ पे प्रेजेंट है, हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। कीटोन बॉडीज क्या होती बेटा? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम कीटोन ग्रुप्स। इकाई में से निकल के आता है, कीटोन ग्रुप्स में से निकल के आता है कीटोन बॉडीज। और ये कब प्रोड्यूस होती है आपकी बॉडी में? जब आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करना बंद कर दे। कैसे? जब आप कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्ट डाइट में, यानी डाइटिंग में चले जाओ, जिसमें आप कार्ब्स नहीं खा रहे हो, जिससे आपकी बॉडी को शुगर ग्लूकोज मिल रहा है ना, शुगर जिस चीज से आपकी बॉडी में आ रही वो चीज आपने कम कर दी है, तब शुगर नहीं आ रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्टेड डाइट हो गई है ना, किसी भी सोर्स से स्टार्वेशन में हो आप, या तो भूखे रह रहे हो, फास्टिंग जैसी स्थिति, फास्टिंग स्टार्वेशन, या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लिया है आपने, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लिया है, आपकी एनर्जी लॉस कर दी है, वॉमिटिंग डायरिया जिस कंडीशन में भी होता है, कीटोन बॉडीज क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। मैं आपको क्या बता रहा हूं, प्रोड्यूस किस कारण से होती है ना, ये हमने पहले के वीडियो में भी इंटरप्रेटेटिव एनालिसिस जब करे थे केमिकल एग्जामिनेशन वाला, उस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि कीटोन बॉडीज मतलब प्रोड्यूस क्यों होती है, इसकी फिजियोपैथोलॉजी मैंने आपको बता चुका हूं। पर कीटोन बॉडीज क्या है हमें जानेंगे, मैंने शायद आपको पहले भी बताया है उस वीडियो में, अगर उस वीडियो में कुछ गलत हो गया होगा तो इस वीडियो में मैं क्लियर करता हूं। कीटोन बॉडीज का प्रोड्यूस होती है जब आप रिस्ट्रिक्ट डाइट लेने लग जाओ, और रिस्ट्रिक्ट डाइट लेते हो तो आपका लिवर क्या प्रोड्यूस करता है? फैटी एसिड्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड डाइट हो गई, रिस्ट्रिक्टेड डाइट के कारण लिवर प्रोड्यूस करेगा फैटी एसिड्स को, ठीक है, और फैटी एसिड प्रोड्यूस करेंगे किसको? कीटोन बॉडीज को। ठीक है, कीटोन बॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय लिवर फ्रॉम फैटी एसिड्स। ठीक है, कीटोन बॉडी प्रोड्यूस होते हैं लिवर के द्वारा, किससे, किससे प्रोड्यूस होते हैं? फैटी एसिड्स से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, कीटोन बॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय लिवर फ्रॉम किससे? फैटी एसिड्स से। ठीक है, अब क्या होता है, फैटी एसिड से प्रोड्यूस तो हुआ, चलो कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्टेड डाइट है, जो भी है फैट मतलब उस पर कार्बोहाइड्रेट नहीं जा रहा आपकी बॉडी में, आपने टोटली बंद कर दिया कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कीटोजेनिक डाइट बोलते हैं जिसको आजकल, कीटोजेनिक बहुत चल रहा है आजकल ट्रेंड दुबले होने के लिए, तो उसके पीछे साइंस क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके पीछे ये साइंस है बेटा कि जब आप कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्ट कर देते हो तो आपकी बॉडी क्या करती है, एनर्जी सोर्स के लिए क्या करती है आपकी बॉडी, लिवर क्या करते हैं, फैटी एसिड्स प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, और वो फैटी एसिड क्या करते हैं, कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, फिर वो कीटोन बॉडीज क्या करते हैं, साइट्रिक एसिड साइकिल में जाते हैं, साइट्रिक एसिड साइकिल एक फेज है उसमें जाते हैं, और कन्वर्ट होते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए में, ये एसिटाइल सीओए भी बोलते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए
या एसिटाइल COA में कन्वर्ट होते हैं साइट्रिक एसिड साइकिल में जाने के बाद। और फिर क्या होता है, ये एसिटाइल COA में जैसे कन्वर्ट होता है तो ये कहाँ जाता है, सेल्स में जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया के साथ जाके ऑक्सीडाइज होता है और क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, पूरे फैट को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर ले रहा है। जितना फैट है बॉडी में उसको क्या कर रहा है, कंज्यूम कर ले रहा है। तो इससे क्या होगा, जितना भी फैट है एंड फैटी एसिड क्या कर रहे हैं, कीटोन प्रोड्यूस करके क्या कर रहे हैं, फैट कम कर रहे हैं बॉडी का। और जैसे जैसे फैट कम होता जाएगा वैसे वैसे आप दुबले होते जाओगे। ठीक है, इसके पीछे सिद्धांत आपको समझ में आया कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। रिस्ट्रिक्टेड डाइट है भैया, रिस्ट्रिक्टेड डाइट के बाद अगर आप क्या होगा, बॉडी फैटी एसिड प्रोड्यूस करेगी, जिसके साथ साथ क्या होगी, कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होगा, है ना। कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस हुई तो वो क्या जाएंगे, साइट्रिक एसिड साइकिल में जाएंगे। साइट्रिक एसिड साइकिल से वो काय में कन्वर्ट होंगे, एसिटाइल कोएंजाइम ए में, COA में। और उसके बाद क्या होगा, वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर ऑक्सीडाइज होकर, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ ऑक्सीडाइज होकर क्या करेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, कीटोन बॉडी में वर्क करता है और फैट को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करने का, मतलब धीरे 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 खत्म करने का काम करता है आपकी बॉडी से फैट को। और इस तरीके से यूरिन में भी क्या होता है, फिर ये ज्यादा ज्यादा क्या, फैटी एसिड जितने ज्यादा प्रोड्यूस होगी उतने ज्यादा क्या होगी, कीटोन बॉडीज भी प्रोड्यूस होगी। और इसलिए क्या होता है, यूरिन में कीटोन बॉडीज डिटेक्ट होता है। अभी किस कंडीशन में आता है, कंडीशन बता चुका हूँ मैं आपको। ये तो चलो आपकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन ही है, वॉमिटिंग डायरिया वगैरह हो गया, स्टारवेशन फास्टिंग हो गया, डायबिटीज मेलिटस टाइप 1, डायबिटीज मेलिटस टाइप 1 वाली फेज में या इंसुलिन इम्बेलेंस वाली कंडीशन में भी क्या होता है, कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होती है और क्या करते हैं, वो शरीर को दुबला करते हैं। ठीक है, टाइप 1 वाले क्या होते हैं, दुबले होते जाते हैं, इसलिए दुबले होने का कारण रहता है उनका, कीटोन बॉडीज के कारण। तो शायद मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है कि कीटोन बॉडीज क्या होती है, बहुत अच्छे से समझा है आपने तो बहुत अच्छी बात है। और क्योंकि मैंने आपको कई बार बोल के इसको बताया समझाया कि कीटोन बॉडीज क्या होती है, तो बेटा कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ते हो ना, मैं इसलिए आपको कोई चीज़ खींचता हूँ उस पॉइंट को, कि मेरा ये मकसद रहता है आपको बताने का कि जो चीज़ बेटा आप पढ़ रहे हो वो आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों पढ़ रहे हो और वो चीज़ है क्या। ठीक है, रोथ्रास डिटर्मिनेशन टेस्ट पढ़ लिया, प्रिंसिपल पढ़ लिया, प्रोसीजर पढ़ लिया, उसकी रीडिंग पढ़ ली, पर आपको यही नहीं पता कि कीटोन बॉडीज क्या होती है, तो क्या मतलब कैसा पढ़ना। ठीक है, तो अब हम आते हैं टेस्ट पे बेटा, कि अब टेस्ट कैसे किया जाता है, रोथ्रास टेस्ट, है ना। अब इसका एक प्रिंसिपल, इसका सिद्धांत क्या है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड यूज इन दिस टेस्ट रिएक्ट्स विद बोथ एसीटोन एंड एसिटोएसिटिक एसिड। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड हम यूज करते हैं इस टेस्ट में, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड यूज इन दिस टेस्ट, इस टेस्ट में क्या यूज होता है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड यूज होता है, रिएक्ट्स विद बोथ, जो कि रिएक्ट करता है बोथ, दोनों चीजों से, बोथ यानी दो चीज आ गई यहाँ पे, बोथ कौन सा, एसीटोन एंड एसिटोएसिटिक एसिड के साथ, ये दोनों चीज के साथ कौन रिएक्ट करेगा, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड रिएक्ट करेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्काली, अल्काली के प्रेजेंस में, क्या है अल्काली, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, टू प्रोड्यूस अ पर्पल कलर्ड कंपाउंड। क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड रिएक्ट कर रहा है एसीटोन और एसिटोएसिटिक एसिड के साथ, किसकी प्रेजेंस में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, किसकी प्रेजेंस में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या कर रहा है बेटा, इट इज अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होता है, प्रेजेंट इन द काइमे रिएक्शन, बट क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, कैटलिस्ट इज यूज टू प्रमोट द रिएक्शन विदाउट इन्वॉल्विंग इन द रिएक्शन, यानी कि वो प्रमोट कर रहा है रिएक्शन को मदद करने के लिए बिना डायरेक्टली इन्वॉल्व होकर, तो कैटलिस्ट के जैसे एक्ट कर रहा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आपको मेरा प्रिंसिपल क्लियर हुआ, मैंने जो आपको बताया है, बहुत सिंपल है बेटा, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड रिएक्ट करता है एसीटोन और एसिटोएसिटिक एसिड के साथ, अल्काली मीडियम कौन सा है, अल्काली मीडियम की प्रेजेंस में, जो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, टू प्रोड्यूस अ पर्पल कलर्ड कंपाउंड। ठीक है, पर्पल कलर्ड कंपाउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब हम आते हैं रिक्वायरमेंट्स में, रिक्वायरमेंट में क्या आएगा बेटा, टेस्ट ट्यूब आएगा, रोथ्रास पाउडर आएगा, लिकर अमोनिया सॉल्यूशन आएगा और पास्चर पिपेट आएगी और आपका यूरिन सैंपल। ठीक है, मैं लिख देता हूँ रिक्वायरमेंट्स में, वैसे यूरिन सैंपल नहीं मेंशन किया जाता है, है ना, तो अपन क्या लिख देते हैं यहाँ पे, यूरिन सैंपल, बिना यूरिन के कैसे लगाओगे। ठीक है, प्रोसीजर क्या है इसकी, 5 ml हमने यूरिन लिया,
पाश्चर पिपेट की मदद से कर लिया। अब हम आते हैं इसके काय पे आएंगे, हम प्रोसीजर पे आएंगे। ठीक है, प्रोसीजर में क्या आएगा बेटा, उसको मैं आपको ओरली बताऊंगा, इतने सारी प्रोसीजर लिखूंगा नहीं मैं आपको, है ना। ओरली इसको सुन लो, समझ लो। प्रोसीजर में है बेटा, हमने 5 ml यूरिन लिया। कितनी ml यूरिन लिया हमने, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं, हमने लिया 5 ml यूरिन लिया। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में 5 ml यूरिन लिया। किसकी मदद से, पाश्चर पिपेट की मदद से हमने क्या लिया, 5 ml यूरिन लिया। उसको लेने के बाद क्या करेंगे, हम इसमें रोथ्रास पाउडर मिक्स करेंगे। क्या मिक्स करेंगे, 1 ग्राम रोथ्रास पाउडर मिक्स करेंगे टेस्ट ट्यूब में। हमने कितनी 5 ml यूरिन लेकर उसमें रोथ्रास पाउडर को डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कभी कभी वो बड़े बड़े क्रिस्टल्स में भी आता है, तो उसको हमको डिसॉल्व करना है अच्छे से रोथ्रास पाउडर को, किसमें, यूरिन में, जो कितनी क्वांटिटी में, 5 ml में मिक्स किया। मिक्स करने के बाद क्या करोगे आप, बहुत सिंपल टेस्ट है, स्लाइटली इसको टर्न किया इस तरीके से। ठीक है, स्लाइटली क्या किया, इसको टर्न किया। टर्न करने के बाद क्या करोगे आप, जो लिक्विड अमोनिया है 1 to 2 ml लिक्विड अमोनिया, क्या करोगे आप, जैसे कि टेस्ट पर स्लाइटली टर्न किया, क्या मिलाया हमने, रोथ्रास पाउडर। रोथ्रास पाउडर में क्या है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड है और अमोनियम सल्फेट प्रेजेंट रहता है काय में, रोथ्रास पाउडर में, है ना। तो क्या किया हमने, रोथ्रास पाउडर को मिक्स करने के बाद यूरिन में स्लाइटली टेस्ट को टर्न किया, और ये देखो इस तरीके से पकड़ेंगे। ठीक है, स्लाइटली टर्न करना, ये क्या है, लिक्विड अमोनिया है, स्लाइटली साइड से इस तरीके से डालना है, ऐसे खड़े नहीं डालना है हमको। ठीक है, ऐसा टिल्ट करते हुए डालना है, हम हीट नहीं कर रहे हैं ना, हीट वाली कंडीशन नहीं रख रहा हूँ मैं यहाँ पे आपके सामने कि हीट है तो किसी पे स्पिले जाएगा। इसकी टेक्निक ऐसी है, इसको इसको इस तरीके से रखा और स्लाइटली, क्योंकि ऐसा स्लाइटली स्लिप करते हुए जाना चाहिए अमोनिया यहाँ साइड से, और धीरे धीरे हमने 1 to 2 ml इसमें अमोनिया पोर किया। पोर करने के बाद इसको वापस सीधा रख देंगे, और सीधा रखने के बाद क्या करेंगे, हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। अगर अगर कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है यूरिन के अंदर, अगर कीटोन बॉडीज प्रेजेंट यूरिन के अंदर, तो इसके जंक्शन में, यानी यहां तक अगर 5 ml यूरिन है, तो इसके जंक्शन में यानी मिडिल में एक पर्पल कलर की रिंग फॉर्म होगी। कौन से कलर की रिंग फॉर्म होगी, पर्पल कलर की रिंग फॉर्म होगी, इस रिंग बन जाएगी अंदर, और वो ही रिंग इंडिकेशन है कि कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है। और अगर कीटोन बॉडीज प्रेजेंट नहीं है तो रिंग फॉर्म नहीं होगी। इतना सा इसका कॉन्सेप्ट है। क्या था, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड रिएक्ट करता है एसीटोन और एसिटोएसिटिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और ये क्या करते हैं, टू प्रोड्यूस अ पर्पल कलर्ड कंपाउंड, क्योंकि पर्पल कलर का कंपाउंड बनाते हैं। तो किस तरीके से दिखेगा आपको, जो रिंग बनी रहेगी ना बेटा, रिंग ही पर्पल कलर कंपाउंड है। जब हम यूरिन में, जब इसको रोथ्रास पाउडर मिलाने के बाद क्या मिलाते हैं, अमोनिया मिलाते हैं, अमोनिया सॉल्यूशन मिलाते हैं, और क्या करता है वो, कीटोन बॉडीज के साथ रिएक्ट करके एक पर्पल कलर का कंपाउंड बनाता है। इतना, और फिर इसका जो मेजरमेंट है वही है, 1+, 2+, 3+ और 4+, इस तरीके से आप सब ग्रेड कर सकते हो कि कितनी ज्यादा क्वांटिटी में ये प्रेजेंट है, क्या कीटोन बॉडीज यूरिन के अंदर। अगर दिखाई नहीं, मतलब प्रेजेंट है नहीं, और जितनी ज्यादा इंटेंसिटी इसकी डार्क रहेगी उतना ज्यादा क्या रहेगा, ये उतनी मात्रा में ये प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम इसकी क्या करेंगे, ग्रेडिंग सिस्टम करेंगे कीटोन बॉडीज के टेस्ट में। तो ये जो वीडियो है बेटा हमारा कीटोन बॉडीज का, इस लेक्चर में कंप्लीट होता है। आपने इस वीडियो में क्या क्या समझा, कि कीटोन बॉडीज एक्चुअली में क्या होती है, क्या वर्क करते हैं हमारे शरीर में, ये किस कारण से प्रोड्यूस होती है और यूरिन में आती है, इसकी फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी हमने दोनों देखी, और प्रीवियस वीडियो में इंटरप्रेटेटिव एनालिसिस में भी शरीर को बताया हूं आपको, इसका प्रिंसिपल देखा, इसके रिक्वायरमेंट्स देखी और इसकी प्रोसीजर देखी। प्रोसीजर होने के बाद ये पर्पल रिंग कलर फॉर्म करता है, हमने ये चीज इसको डिसाइड देखी, इसके ग्रेड्स किस तरीके से इसको ग्रेडिंग देते हैं हम, और ये पर्पल कलर क्यों फॉर्म करता है उसको हमने प्रिंसिपल में समझा बहुत अच्छे से। तो हमारा ये वीडियो इस लेक्चर में कंप्लीट होता है। कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज हो तो बिल्कुल मुझे बताइए कि सर हमको समझ में नहीं आया, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो उस चीज को टॉपिक में कवर करूं।